हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीएस लर्निंग। तो आप सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं क्या यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो सेकंड प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट बीएससी बीएड बायोलॉजिकल साइंस, बीएससी बीएड फिजिकल साइंस और बीए बीएड का आरआई भुवनेश्वर के द्वारा जारी हो चुका है। अब हम लोग समझेंगे कि किन पहले देखेंगे किन किन का सिलेक्शन हुआ है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, फिर आगे समझेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर से हमको गुजरना पड़ेगा। चलिए वन बाय वन मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट ऑफ पहले बीएससी बीएड को देखते हैं, ठीक है? ओके, वन बाय वन हम लोग देखते हुए चलेंगे। क्लियर? मैं एक एक करके आपको डाउनलोड कर देता हूँ ताकि मेरे को समझाने में आपको आसानी होगी। इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट भी डाउनलोड कर लेते हैं। आप कैसे डाउनलोड करोगे, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, ठीक है? मोबाइल में भी ऐसे ही होता है, मैं तो लैपटॉप में कर रहा हूँ, मोबाइल में भी सेम चीज़ होता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ क्या सब आपको करना है, ठीक है? और ये तो हो गया आपका बीएससी बीएड का, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस का। उसके बाद हम लोग चलते हैं बीएससी बीएड फिजिकल साइंस का डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है? इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट तो सेम होगा, लिस्ट बस डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है? बस लिस्ट डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे और बीए बीएड का भी देख लेते हैं साथ ही साथ, ताकि आपको मैं पूरा डिटेल में सब कुछ समझा सकूँ। क्लियर? यहाँ पे देखो देखो वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो को बिना देखे आप लोग मेरे को कॉल या मैसेज करते हो तो मैं उसका रिप्लाई नहीं देने वाला हूँ। जो चीज़ मैं यहाँ पे वीडियो में ऑलरेडी बोला हूँगा और आप फिर से मेरे को वो चीज़ पूछोगे तो मैं उसका रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। इसीलिए मैं वीडियो देखो, एक यूट्यूब जो मतलब पढ़ाता है, जो यूट्यूब का एजुकेटर होता है, वो सबसे बेस्ट किस तरीका से अपने मतलब स्टूडेंट्स के साथ जुड़ सकता है, यूट्यूब के साथ जुड़ सकता है, ठीक है ना? तो मैं आपके साथ यूट्यूब के थ्रू ही जुड़ सकता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि यूट्यूब में यूट्यूब बहुत ज़्यादा मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक एक टाइम पे मतलब 500,000 लोगों के साथ जुड़ सकते हो, या फिर उससे भी और लोगों के साथ जुड़ सकते हो, जितने आपके सब्सक्राइबर सबके साथ जुड़ सकते हो। तो क्योंकि मैं इतना लोगों के साथ आपके साथ एक साथ जुड़ सकता हूँ, तो फिर हम लोग फ़ोन में क्यों बात करेंगे, है कि नहीं? तो वो तो सिर्फ मतलब मेंबरशिप और जो मतलब जो ज्वाइन वाला बटन वाला होता है वो सब चीज़ अलग है। अगर आपको लेना है तो वो तो अलग बात है, ठीक है ना? क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें टाइम होता है कि बात करने के लिए, उसमें एक पर्टिकुलर टाइम गिवन होता है जिस टाइम के अंदर हम लोग आपके साथ बात कर सकते हैं। बाकी फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता तो मैंने आपको एक एक हेल्प करने के लिए एक चीज़ तो बोला है कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है, जो ऊपर ही व्हाट्सएप नंबर दिया यहाँ पे सब मैसेज करना है। मैं जितना जल्दी हो सके मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, लेकिन कॉल करोगे तो मैं उसका रेस्पॉन्स नहीं दे पाता क्योंकि मैं इसके साथ साथ आर आई के साथ साथ और भी दूसरे कोर्सेज को पढ़ाता हूँ। लाइव क्लासेस वगैरह मेरा होता है, सुपर 50 का 2 बैच है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, ठीक है ना? तो इसीलिए मैं फ्री नहीं हो पाता हूँ, इसलिए आपका कॉल्स मैं ले नहीं पाता हूँ। इसलिए मैसेज कर दो। हाँ, अगर कोई मेंबरशिप लेगा, ठीक है, मेंबरशिप कैरियर काउंसलिंग, तो वहाँ पर और दूसरे लोग होंगे जो कि मतलब यहाँ पर सैलरीड पर्सन है, मेरे से पैसे लेते हैं, तो वो आपको आराम से हेल्प कर सकेंगे, ठीक है ना? और मेंबरशिप का फ़ी भी कुछ लगता है, तो अगर मेंबरशिप लेना है तो आप कुछ फ़ी आपको देना पड़ता है उसके लिए। हाँ, और एक चीज़ है, अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है ना, इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा किसी भी कारण के वजह से, तो सुपर 50 का हम लोगों के पास 2 बैच है। एक तो सुपर 50 का इंटीग्रेटेड वाला बैच है जिसमें बीएससी बीएड, बीए बीएड और मतलब सीबीजेड पीसीएम, बीएससी बीएड, सीबीजेड पीसीएम और बीए बीएड 3 बैच, और एमएससी एड का लेकर कोई प्रिपरेशन करता है तो एमएससी एड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उन सब के लिए मैंने जो बोला था लेवल 1, मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था 3 लेवल का एग्जाम होता है। लेवल 1 के लिए हमने एक बैच बनाया सुपर 50 बैच 1, इसमें 50 लोग 50 सीट है, और एक बैच 2 है लेवल 50 जो कि जिसमें बीएड और एमएड को हम लोग पढ़ाते हैं। बीएड और एमएड हम लोग को ऑनलाइन कोचिंग, देखिए ये सब ऑनलाइन कोचिंग है क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में हम बहुत सारे लोगों को मतलब हेल्प कर सकते हैं डिफरेंट इंडिया का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, तो इसीलिए हमने ऑनलाइन कोचिंग का सिस्टम किया। अगर मैं इसको ऑफलाइन करता तो पहले भी मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था, ऑफलाइन में मैं सिर्फ भुवनेश्वर में पढ़ाता था, ठीक है, सिर्फ भुवनेश्वर के बच्चों को पढ़ा पाता था, लेकिन ऑनलाइन की वजह से अभी मेरा स्टूडेंट जो है वो यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, कर्नाटका से हैं, केरला से हैं, मतलब मध्य प्रदेश से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, आसाम से हैं, ठीक है ना, हर जगह से, पूरा इंडिया का हर कोने से अभी सब मेरा स्टूडेंट्स हैं सुपर 50 बैच में। तो एक मतलब एक एजुकेटर को बहुत खुशी होता है कि इतने सारे उसके मतलब डिफरेंट लोकेशन से डाइवर्सिटी एक हमको देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए आप सुपर 50 बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मैं तो इसके लिए कोई मतलब बैनर वगैरह बनाया नहीं हूँ, लेकिन सिंपल सा बात है, यहाँ पे इस नंबर व्हाट्सएप नंबर पर जब आप कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपको सारे के सारे चीज़ें मिल जाएंगी। अपना जो ऑथेंटिसिटी फॉर्म है ना वो मैं आपको दिखा दूंगा, साथ ही साथ कुछ डेमो भी मैं आपको दे दूंगा। जब आप मेरे को सुपर 50 को ज्वाइन करना चाहोगे और मेरे पास मैसेज भेजोगे तो मैं आपको कुछ डेमो वीडियोज जो हम पढ़ाते हैं
क्लासेस का और फॉर्म्स और जो अपना OMR शीट होता है जिसके थ्रू हम एग्जाम कंडक्ट करते हैं। पता है ना आपको कि हमारा यहाँ पे रोज एग्जाम होता है, मतलब डेली टेस्ट होता है और वीकली मॉक टेस्ट होता है। डेली तो कुछ होमवर्क वाला होता है टेस्ट, और वीकली मॉक टेस्ट होता है, और फिर मंथली जो है वो मेगा मॉक टेस्ट होता है RIC के पैटर्न के अनुसार। तो इसीलिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप जब मेरे को मैसेज करोगे मैं आपको फॉर्म और उसका डेमो कुछ वीडियो बता दूंगा, उसके बाद आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हो। आफ्टर द पेमेंट ऑफ फी आपको सारे के सारे प्रीवियस वीडियो सब कुछ मिल जाएंगे और पूरा सब कुछ आप एसेस कर सकते हो। आप भी उनके तरह एक मेंबर, पेड मेंबर बन जाओगे जिनके जिनके पास सब कुछ का एसेस होगा। बाकी कोई देखो नॉर्मल कोई भी एसेस नहीं कर सकता मेरे वीडियोज़ को, क्योंकि वो अनलिस्टेड रहता है, ठीक है। वो सब वीडियो अनलिस्टेड रहता है, या फिर उसमें मैं पासवर्ड दे देता हूँ जो सिर्फ मेंबर ही एसेस कर सकते हैं और कोई एसेस नहीं कर सकता। इसलिए आप मेंबरशिप ले सकते हो या फिर सुपर 50 ज्वाइन कर सकते हो, सिंपल सा बात है। तो आप अब देखते हैं यहाँ पे BSc B.Ed B.A. B.Ed का लिस्ट। यहाँ पे देखो पहले मैं इस वीडियो में आपको B.A. B.Ed का दिखा देता हूँ। B.A. B.Ed का यहाँ पे देखो सुधांशु मुखी 91.2%, यहाँ पे उसके बाद सोमनाथ विश्वास 94.2, अभिषेक कुमार 89% और पल्लव दास यहाँ पे 86.4% आया है, क्लियर। तो यहाँ पे जो अपने मेंबर भी हैं ये इनमें से कुछ लोग, उसके बाद पूजा भुए 89.33, आदिति हंसड़ा 86, दीपक कुमार 92, भार्गव पातिर 92, ठीक है। ये सब सेकंड मेरिट लिस्ट है, इसमें से सबका एडमिशन नहीं होगा, कुछ लोगों का एडमिशन होगा। देखो मैं एक चीज़ आपको पहले बोलना चाहता हूँ, इतना सारा लिस्ट, इतना सारा बच्चों का नाम क्यों आया? पहले तो सिर्फ 85 सीट होता है, इसमें 55 या 54 सीट था, तो इतना लोग का सीट होते हुए फिर इतना लोगों का फिर लिस्ट में नाम कैसे आ गया? इसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला, क्योंकि इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग हो रहा है, तो बहुत लोग नेटवर्क कनेक्टिविटी हो या किसी भी कारण ऑनलाइन के बारे में उनका आइडिया ना हो, इसके वजह से बहुत सारे लोगों ने एडमिशन नहीं कर पाया, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का एडमिशन में प्रॉब्लम हुआ, मेरे को कुछ लोगों ने कॉन्टैक्ट करने का भी कोशिश किया, लेकिन मेरे से कुछ मतलब जितना भी हेल्प में हो सके उनको देने का मतलब कोशिश किया, ठीक है। और कुछ लोगों का एडमिशन करा पाया, लेकिन कुछ लोगों का मैं नहीं करा पाया, क्योंकि सबके साथ मतलब ऐसे नॉर्मली इंडिविजुअली बात करना और हेल्प करते रहना मतलब टाइम नहीं हो पाता। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो के थ्रू हेल्प करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली अगर मैं बात करूँगा तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग जाता है, और एक इंडिविजुअल को बात हेल्प करने में एक दिन लग जाता है, जिसमें मैं लाखों लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप ज्वाइन कर लो, और जो मेंबरशिप है उसमें क्या है, दूसरा लोग आपको हेल्प कर देंगे, या फिर आप सुपर 50 ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो जागृति बेहरा, साहिल मोहंती, बनीता ईरानील, प्रकृति, नवेंदु, निशान, तन्मय और उषा यहाँ पे 89 तक गया है OBC का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए EWS के यहाँ पे सत्य कुमारी, शुभांगी और मधुरिया, ये सब हैं 84 तक कटअप गया है। पूजा यहाँ पे आराधना, सोनाली, असीमा, रीति, प्रजेश, लोकेश, कुमारी, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे तरफ से, हमारे टीम के तरफ से। यहाँ पे आप सबका नाम देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट स्टेट्स से हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट अंडमान में इस बार सिर्फ और सिर्फ देखिए आसाम को दिया गया, सिर्फ और सिर्फ आसाम। कभी कभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ त्रिपुरा को मिल जाता है, तो बाकी लोगों नहीं मिला। बाकी त्रिपुरा वाला किसी का रैंक 1 होगा, कैटेगरी रैंक भी 1 होगा, लेकिन उसको नहीं मिला होगा, परसेंटेज के लिए ऐसा होता है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आसाम वालों को ही मिल गया, बाकी किसी को नहीं मिला, ठीक है। ये तो मिला के होता है ना, नॉर्थ ईस्ट पूरा 8 स्टेट और अंडमान निकोबार, तो 9 को मिला के यहाँ पे सिर्फ आसाम को ही दिया गया। तो इसीलिए बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे, मेरा स्टेट रैंक 1 और ये वाला रैंक भी 1 है, फिर भी मेरे को कैसे नहीं मिला? तो यही चीज़ होता है, क्योंकि जब मतलब सीट डिवाइडेड होते हैं डिफरेंट स्टेट के अंदर, तो ऐसा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। बाकी सबका तो आपने देख लिया परसेंटेज, इस बार मतलब सेकंड मेरिट लिस्ट में थोड़ा कम कटअप गया है, ठीक है। फर्स्ट में तो पूरा 95 के प्लस जा रहा था, तो ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट, तो ये सब क्या आपको करना क्या है, मैं आपको बस थोड़ा ब्रीफली समझा देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर समझाऊंगा। तो ये नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सेकंड लिस्ट जो आया है वो अपना स्कैन कॉपी भेजेंगे 3 तारीख तक, 3 तारीख से पहले भेजेंगे, 3 और उससे पहले, मतलब 3 नवंबर, 3 नवंबर और उससे पहले आपका स्कैन कॉपी जो है ईमेल में भेजना है। कहाँ पे भेजना है? ईमेल में भेजना है, ठीक है। कौन सा ईमेल में बताऊंगा। उसके बाद क्या है, जो गूगल फॉर्म होगा ना उसको फॉर्म करना है। यहाँ पे गूगल फॉर्म के बारे में कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। ईमेल जो है मैं आप बताता हूँ आपको, ईमेल में भेजना है स्कैन कॉपी। द कैंडिडेट शुड अपलोड द स्कैन कॉपी और नॉट टेकिंग फॉर्मेट अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट। हाँ, गूगल फॉर्म एक होगा, एक फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में आपको स्कैन कॉपी भेजना है 3 तारीख तक, 3 नवंबर तक स्कैन कॉपी को एक फॉर्मेट में आपको भेजना है। वो फॉर्मेट मैं एक अलग वीडियो में डेमो करके दिखा दूंगा, जिसमें पेरेंट्स और गार्डियन दोनों का सिग्नेचर, सॉरी पेरेंट्स या फिर गार्डियन या फिर बच्चा स्टूडेंट कैंडिडेट दोनों का सिग्नेचर होना चाहिए।
कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन जो होगा वो आपके पास ईमेल में पहुंच जाएगा 4 तारीख तक। तो घबराने वाली बात नहीं, आज अगर आप आज कर लेते हो तो आपके पास तुरंत कन्फर्मेशन नहीं आ जाएगा, टाइम लगता है उनके पास उनको वेरिफिकेशन करने के लिए। तो 4 नवंबर तक आपको, 4 नवंबर उस दिन आपको कन्फर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको आपका कन्फर्मेशन होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कन्फर्मेशन होने के बाद आपको फ़ी जमा करना है ऑनलाइन के थ्रू SBI कलेक्ट जो होता है, मैंने आपको एक डेमो भी दिखाया था SBI कलेक्ट में, यहाँ पे 4 से 6 तारीख के बीच में आप जमा कर सकते हो। और जो पेमेंट स्लिप होगा वो इंस्टीट्यूट का ईमेल आईडी, उसको स्कैन करके इंस्टीट्यूट या फिर उसका कॉपी जो होगा स्क्रीनशॉट ईमेल आईडी, ये जो इंस्टीट्यूट वाला ईमेल आईडी वहाँ पे भेज देना है, ठीक है। उसके बाद पैसा कितना लगता है, पैसा आपको कितना भेजना है, कितना जमा करना है ऑनलाइन, अगर BSc बोर्ड BA बोर्ड के लिए आपने अप्लाई किया तो 13,575 रुपया, 13,575 रुपीज़ BA बोर्ड के लिए, 13,075 रुपीज़। SC ST है तो आपका 5,000 रुपया कम लगता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह जो है ना आपको 15 दिन के अंदर इस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट करना है या फिर रजिस्टर पोस्ट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीड और रजिस्टर पोस्ट। ओरिजिनल तो आपको अच्छे से करना है, ओरिजिनल स्कूल कॉलेज लिविंग CLC SLC या फिर CLC जो होता है, ठीक है, फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये सब एक ही होता है, कॉलेज लिविंग स्कूल लिविंग ट्रांसफर ये सब एक होता है, ठीक है, इसको CLC कहते हैं नॉर्मली या फिर TC कहते हैं, आप सब TC से के नाम से इसको जानते हो। फिर एक होता है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एक होता है कंडक्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कंडक्ट सर्टिफिकेट, ये 3 सर्टिफिकेट आपको भेजना है, ठीक है। ये 3 सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे आपको रजिस्टर पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट करना है 15 दिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद फाइनल वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे आपका होगा एक फिजिकल वेरिफिकेशन भी कुछ दिन बाद होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ गलत भेजोगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा कैंडिडेटचर, पेमेंट नहीं करोगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, टाइमली पेमेंट नहीं करोगे तो, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे ये प्रोविजनल डॉक्यूमेंट है, प्रोविजनल एडमिशन भी कन्फर्म वेरिफिकेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद पूरा आपका एडमिशन जो है वो कन्फर्म हो जाएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होने तक आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं है, आप ऐसा सोच सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ये वाला वेबसाइट पे आप जा सकते हो डिटेल्स चेक करने के लिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, फिर जो भी आपका डाउट होगा मैं कभी लाइव सेशन में डिस्कस कर लूँगा। तो बाकी सब लोग का भी ऐसे ही है, हमने BSc बोर्ड का भी यहाँ पे आप देख सकते हो BSc बोर्ड में, हाँ, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड क्या क्या है, इसको यहाँ पे मैं एक अलग वीडियो में समझाता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।